नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील, आप देख रहे हैं हमारा संघर्ष। दोस्तों, मैं पशुओं से जुड़ी जानकारियां हमेशा लाने का प्रयास करता हूं। उसी सिलसिले में मैं आपको आज एक भैंस है, उसकी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब चल रही है। एक किसान है जो कि अपनी समस्या हमें बताए और बताए कि थोड़ा सा एक प्रयास करिए कि इसके बारे में कुछ इसका सही निदान निकल सके। तो दोस्तों, आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस भैंस को, और उसके बारे में आपसे कुछ बातें उसका शेयर करूँगा। अगर आपको जानकारी हो किसी तरह की, जो घरेलू दवाएं हों, अगर आपको जानकारी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि इस पशु की जान बच सके और सुधार हो सके। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। किसान भाइयों, देखने में तो यह काफ़ी आपको लग रही होगी खा पी रही है, काफ़ी ठीक ठाक चुस्त दुरुस्त होगी, लेकिन इसकी तबीयत करीब करीब एक महीने से ख़राब चल रही है। मैं आपको बता दूं कि इसकी समस्या यह है कि अब देखिए, यह सुबह की इसको 7-8 लोग मिल के उठाए हैं, और शाम को, मतलब जब तक इसके स्थान पे जहाँ सुरक्षित इसको बांधना है, ठंड का समय है, और रात में जब वो बैठ जाएगी तो खड़ी नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हैं कितना कमज़ोर हो गई है, और इन्होंने काफ़ी दवाएं, अंग्रेज़ी, होम्योपैथ, आयुर्वेदिक, काफ़ी सारी दवाएं कर रखी है इन्होंने, लेकिन कुछ सुधार नहीं हो पाया है। तो किसान भाई, यदि आपको किसी तरह की इस बीमारी का लक्षण अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो दोस्तों आप ज़रूर इसके बारे में बताएं, ताकि इसका इलाज किया जा सके। डॉक्टरों के माध्यम से बहुत सारी दवाएं की गई हैं, इलाज भी किया गया है, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं है, और जितना इसको भोजन करना चाहिए उतना भोजन भी नहीं कर पा रही है, और न ही यह इसके तबीयत में सुधार हो रहा है। यही धीरे धीरे खाएगी, थोड़ा खाएगी, थोड़ा नहीं खाएगी, लेकिन इसके बॉडी का ग्रोथ एकदम रुका हुआ है, दिन पे दिन कमज़ोर होते जा रही है। तो किसान भाइयों, आप सज्जनों से निवेदन है कि अगर आपको इसकी बीमारी के बारे में कुछ समझ में आ रहा हो, तो आप जो है कि इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं इसके इलाज के लिए। आप देख सकते हैं इसके मलमूत्र भी ठीक ठाक ही है, आप देख सकते हैं, गोबर वगैरह भी ठीक ठाक है, और खा रही है लेकिन बहुत कम खा रही है, और दिन पे दिन दुबली पतली होते जा रही है, और काफ़ी सारे इलाज के बाद भी कुछ इसका सुधार नहीं है। तो किसान भाइयों, आपसे मेरा नम्र निवेदन कि अगर आपको किसी तरह की इस भैंस की समस्या अगर समझ में आ रही हो, तो आप किसान भाई ज़रूर इसके बारे में कुछ अपनी राय रखें, जिससे कि इस जानवर की जान बचाई जा सके। तो मित्रों, ज़रूर कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा, इस छोटी सी मुहिम के माध्यम से हो सकता है शायद इस जानवर का इलाज हो जाए, जिससे कि इसको एक नया जीवन मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो में अन्य जगह मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।